वेलकम बच्चों, मैं प्रिंस दुबे आज आपके सामने ले आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये टॉपिक बच्चों बहुत ही ज़्यादा निगलेक्टेड टॉपिक है और बहुत ही ईजी है। अगर हम इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ना चाहें तो जेई मेन लेवल पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड इसका देखें 19, 20, 21, हर पेपर में मिनिमम एक क्वेश्चन जेई मेन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है ही। और काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कशन करते हैं हम कि किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ वैरी कर रही होती हैं और हमें बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रही होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल किसी न किसी वेरिएशन के साथ आपके सामने रखा जा रहा है, उसी क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन या इसी का वेरिएशन हम लोग हर साल देख रहे हैं कि जेई मेन हमसे पूछता जा रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, और ये है एक्सप्रेशन ई इज इक्वल टू ई नॉट। और जहां पर अगर ई नॉट की बात करें तो ये पीक वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। साथ में थोड़ा सा कंफ्यूज करने की इस क्वेश्चन ने यहाँ पर आपको कोशिश करी है कि ये वेक्टर डायरेक्शन बताने के लिए है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले इस क्वेश्चन में कि पीक वैल्यू क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर मैं इसको बोलूं कि पीक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो ई नॉट नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ, ये पूरा का पूरा टर्म 1 और -1 के बीच में रहेगा, दैट इज करेक्ट, लेकिन ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। तो पीक वैल्यू यहाँ पर आपके पास आएगी ई नॉट, और अगर मुझे इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसको रूट टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रूट टू से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो पीक वैल्यू इसकी अंडर रूट टू ई नॉट है। नाउ दिस इज अ यूनिट वेक्टर, तो ये पूरा का पूरा टर्म आपके पास 1 और -1 के बीच में हो जाएगा, और दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी तरीके के क्वेश्चन वो कई फॉर्म में आपसे पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है फाइनली, इट्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय। तो आपको ये बताना है कि अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सप्रेशन से वैरी कर रही है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा, कॉन्सेप्ट हमें क्या यूज करना है। तो अगर हम देखें कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ई कैप वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, अगर हम उसको ई कैप वेक्टर कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को बी कैप कह रहे हैं, और वेलोसिटी ऑफ वेव यानी वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर वेव प्रोपोगेशन के वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को वी कैप कह रहे हैं, तो ये तीनों वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और रिलेशन कैसा आएगा, ई कैप का क्रॉस बी कैप के साथ आपको वी कैप वेक्टर देगा। यानी अगर मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर ये फर्स्ट फिंगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा जाए और सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा जाए, तो ये जो आपके पास थंब होगा ये आपको वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन दे देगा। ठीक, अब आप मन में क्वेश्चन आता है, बच्चे क्यों रुक जाते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? ये देखिए एक्स कैप प्लस वाई कैप, यानी अगर मैं ये वेक्टर बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ई कैप वेक्टर, विच इज एक्स कैप प्लस वाई कैप बाय अंडर रूट टू। तो बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर तो दिखा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वेलोसिटी वेक्टर तो यहाँ से कहीं से नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, कहाँ से दिख रहा है? इस टर्म को ध्यान से देखा जाए, जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वो बता रहा है के जेड माइनस ओमेगा टी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रही है विथ जेड कोऑर्डिनेट, यानी वेव प्रोपोगेट कर रही है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। अब मन में एक और क्वेश्चन कि सर जेड एक्सिस के अलॉन्ग तो पॉजिटिव जेड एक्सिस भी हो सकती है, नेगेटिव जेड एक्सिस भी हो सकती है, उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट, वॉट इज दैट कॉन्सेप्ट? अगर आप जेड का कोएफिशिएंट चेक करो और टी का कोएफिशिएंट चेक करो, अगर ये कोएफिशिएंट
ऑपोजिट साइन के हैं, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करी है, विच इज द केस हियर। यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी वेव जो है वो पॉजिटिव से डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मूव कर रही है, यानी जो वेव का डायरेक्शन है वो इधर की तरफ प्रोपोगेट कर रही है। तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर, तो देखिए कैसे यूज करूंगा। ये जो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर 45 डिग्री बनाते हुए, बच्चे बताएंगे मुझे, कमेंट करके बताना होगा जल्दी से कि 45 डिग्री पर क्यों आ रहा है, बिकॉज दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, इस वजह से 45 डिग्री। और अगर E वेक्टर इधर आ रहा है और वेलोसिटी वेक्टर इधर आ रहा है, तो वेव मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर 90 डिग्री, यानी अगेन अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बनाने की कोशिश करूं, दिस इज B कैप, तो ये भी इससे 45 डिग्री बनाएगा। तो जल्दी से क्या हम B कैप लिख सकते हैं? तो B कैप, यस हम B कैप जल्दी से लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि What is the difference 90 degree जाने से? तो y component, y cap by root 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ x component वो negative हो गया, तो मैं फटाक से लिख सकता हूँ minus x cap plus y cap by root 2। तो इतने पर ही मैं आंसर टिक कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि कोई और आंसर ऐसा नहीं except for b। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट एक्सप्रेशन चाहिए कि नहीं सर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूरा लिखो, आंसर तो हम टिक कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी है, हमें बी कैप पता है, ऑल वी नीड इज बी का मैग्नीट्यूड यानी पीक, तो बी का मैक्सिमम या बी पीक अगर मुझे निकालना है तो दैट इज वेरी सिंपल, ई पीक को मैं लाइट के स्पीड से यानी ईएम वेव के वेलोसिटी से डिवाइड कर दूंगा, E पीक मेरे पास है, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट टू ई नॉट को मैं C से डिवाइड कर दूंगा, और यहाँ से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू अंडर रूट टू ई नॉट बाय C वेक्टर माइनस x कैप प्लस y कैप बाय अंडर रूट टू, और ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है वो सेम रहेगा क्योंकि वेव प्रोपोगेशन वो बता रहा है, तो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, यहां से आप अंडर रूट टू और अंडर रूट टू कैंसिल कर देंगे। हियर इज योर आंसर, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और बहुत ही सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, बेसिक वेक्टर को यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यूज करके हम एक क्वेश्चन 100% हर ईयर करेक्ट कर सकते हैं, अगर हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पिक करें जो डेफिनेटली जेई मेन में आपको स्कोर दे सकते हैं। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय बाय, गुड लक।